नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको हेल्थ ओके सिरप के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको हेल्थ ओके सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो हेल्थ ओके सिरप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 125 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और 200 ml की पैकिंग में आता है और समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस बढ़ती रहती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें अमीनो एसिड, मल्टी विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। तो आइए जान लेते हैं हेल्थ ओके सिरप के यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह सिरप कमजोरी की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों का शरीर दुबला पतला है, कमजोरी की समस्या है या खून की कमी है, तो उन लोगों के लिए यह सिरप बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा कमजोरी के कारण आलस आ रहा हो, चक्कर आ रहा हो, हाथों पैरों में झुंझुनाहट हो रही हो या कमर दर्द हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, तो इन सबको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से खून की कमी पूरी होती है और शरीर में जो विटामिन की कमी होती है वो भी पूरी होती है और कमजोरी की समस्या ठीक होती है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है तो उसे पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कि शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलता है। किसी भी प्रकार से शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए हेल्थ ओके सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। तो इस सिरप को एक एडल्ट व्यक्ति सुबह और शाम 10 ml ले सकते हैं। इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। और आइए जान लेते हैं हेल्थ ओके सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो उसमें जिम मचलाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या, सर दर्द होना, पेट में गैस बनना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना, लाल चकत्ते होना। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी हेल्थ ओके सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।